हेलो फ्रेंड्स, आवाज मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 को आगे बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आगे 4-5 क्वेश्चन और बच गए हैं, इसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखिए पहले फर्स्ट आप इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो cos a प्लस सॉरी माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, LHS शुरू करते हैं। LHS ये हमारा क्वेश्चन है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 दिस होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे क्या काम करना होगा, हमें लाना है कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक और कॉट कब आ सकता है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें एक्सप्रेशन में, अगर साइन से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे, हम डिवाइड करना है आपको ऊपर ही, बट जब एक काम आप न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ही करना जरूरी है। ठीक है, तो आगे देखिए पर हमें क्या करना है, लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1। अब हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा यहां से, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस 1 प्लस इस 1 में हम साइन ए से डिवाइड नहीं किया ना, तो 1 बाय साइन ए, यहां भी करना है 1 बाय साइन ए, तो ये हो गया cos a के, there cot a plus 1 minus cos a के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, cot a plus cos a के को हम एक साथ कर देते हैं, cot a plus cos a के minus 1 this whole divided by cot a माइनस cos a के प्लस 1। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है cos a के प्लस cot a, तो cos a के प्लस cot a यहां दिख रहा है हमें, तो इसको हटाना है। अब हटाने के लिए क्या काम करना है, देखिए इस 1 के जगह पे cot और cos a के टर्म में फॉर्मूला लाना है, जैसे कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो जस्ट लाइक आगे भी हम लोग देखे होंगे कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सॉरी 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर माइनस, हाँ तो ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक माइनस इस 1 के लिए cosec square a minus cot a होता है। ठीक है, this whole divided by cot a minus cosec a plus 1। अब बोलिएगा कि सर इस 1 को भी तो चेंज कर सकते हैं, नहीं इसको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़िए, यहां पे ये देखिए a square minus b square के फॉर्म में आ गया, तो ये cot a plus cos a के माइनस, ये माइनस होगा cos a के प्लस cot a इनटू, वेट यहां पे जो है आपका एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, यहां से लेते हैं
cot a plus cos a k minus cos a k plus cot a into cos a k minus cot a, ये हो गया, दिस होल डिवाइडेड बाय cot a माइनस cos a k प्लस वन। अब एक स्टेप और रह गया है, यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये डिनोमिनेटर ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से आप cot a प्लस cos a k को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद इसका तो वन बचा, ये माइनस है, माइनस देंगे, cos a k प्लस cot a चला गया, माइनस में ये बढ़ेगा cos a k माइनस cot a, दिस डिवाइड बाय cot a माइनस cos a k प्लस वन। अब देखिए यहां से वन माइनस cos a k प्लस cot a आ रहा है, तो नीचे वाला ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया cot a प्लस cos a k, जो मैं प्रूव करना था। ये दिस इज इक्वल टू cot a प्लस cos a k, ये हमारा प्रूव करना है, और ये हम क्वेश्चन तक पहुंच गए। So, बस ये लास्ट ये स्टेप्स है, काफी लेंथी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कैसे तो जनरली सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट किया जाता है, आइडेंटिटीज को बोर्ड तक में भी रिपीट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 काफी आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूव करना है। तो देखिए हम एलएचएस को लेंगे, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसमें क्या करना है हमें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट मींस 1 माइनस साइन ए है, तो हम इसका 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आगे क्या हो गया, ऊपर में देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर को हम लोग केवल 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या बनेगा, आगे देखिए ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और नीचे हमारा हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो अब ये रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, एंड दिस इज योर आंसर सेक ए प्लस टेन ए, और ये हमें प्रूव करना था। काफी छोटा क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7, और 7 आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सेवेंथ में है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, दिस होल डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस में इतना लंबा क्वेश्चंस है, बट क्या प्रूफ करना है, ओनली टेन थीटा है ना। सो लेट्स प्रोसीड, एल एच एस दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, यहां पे देखिए कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग साइन थीटा को, साइन थीटा जब कॉमन निकल गया ये हमारा वन माइनस टू साइन क्यूब थीटा, में एक साइन थीटा निकल जा रहा है तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बचा होल डिवाइडेड बाय यहां से कॉस थीटा को कॉमन कीजिए, कॉस थीटा कॉमन हुआ टू बच रहा है, कॉस क्यूब मींस कॉस स्क्वायर थीटा बचा माइनस वन। अब देखिए हमारा जो प्रूफ करना था हमारा बन गया, देखिए साइन बाय कॉस ये तो टेन थीटा होता है ठीक है ना, बट अब हमें क्या करना है कि ये पूरी तरह से हट जाए, बहुत आसान, देखिए वन माइनस टू इस साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए और यहां से टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कर दिए। अब आगे टेन थीटा इसको सॉल्व कर दीजिए, वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिएगा सॉल्व कैसे हुआ, उसको ही बता रहे हैं। देखिए वन माइनस टू, माइनस टू को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू हो गया, माइनस टू को माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए इस माइनस को मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया और टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ठीक है। तो देखिए फिर से लास्ट स्टेप हमारा पहुंच गया हम लोग, वन माइनस टू क्या होता है माइनस वन होता है, तो पहले हम टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं माइनस वन बाद में लिखेंगे, और यहां से टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कट गया, आंसर क्या हो गया टेन थीटा, दिस इज योर आर एच एस और ये हमारा प्रूफ पहुंच गया हम लोग ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपके लिए आसान रहेगा, अदरवाइज इतना भी आसान नहीं है ठीक है। हाँ प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप यहाँ यूज नहीं कर सकते फॉर्मूला ठीक है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बोले इसी को क्यों चेंज किए, आप अगर इसको नहीं चेंज करेंगे तो हम प्रूविंग तक पहुंच नहीं पाएंगे ठीक है, इसलिए आप कोशिश कर कीजिए नीचे वाले को चेंज करके देखिए, हो सकता है कि आप प्रूविंग तक पहुंच भी सकते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, एट में जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला यूज करना है और बाकी और कुछ उसमें नहीं है, बाकी तो आइडेंटिटीज है तो लगाना ही लगाना है, लेकिन और अलग से उसमें और कुछ काम नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, साइन ए प्लस कॉस ए के, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। चलिए एल एच एस साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर, आगे बढ़िए। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ब्रेक कर देंगे
ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, देखिए प्लस के बाद ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट नहीं देंगे, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट देना पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट नहीं देंगे तो मिस्टेक हो सकता है, तो हम यहाँ ब्रैकेट ना देख करके डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए। ओके अब देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस में है, दोनों को आप अरेंज कर लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है तो हमें इसको हटाना है, साइन कॉस भी नहीं था तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखिए साइन इंटू कॉसेक वन कॉस इंटू सेक वन हो जाता है, तो ये टू और ये टू मिलेगा। अब इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे और कुछ बच रहा है नहीं, ठीक है टेन स्क्वायर ए मिलना चाहिए, टेन स्क्वायर ए कहाँ चला गया कुछ तो, हाँ ये सेक स्क्वायर ए है इसके लिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको और इसको हमने चेंज किया है, ठीक है ये ध्यान रखना है कि हमने किसको चेंज किया कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को चेंज कर दिया वन प्लस कॉट स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन प्लस टू प्लस टू फोर प्लस वन प्लस वन टू प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए नेक्स्ट फोर प्लस वन फाइव प्लस टू सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज योर आंसर, ठीक है क्या लग रहा है बहुत आसान है ना। आसान तो है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चंस बनाएंगे नहीं तब तक आसान नहीं होगा, देखने तो में तो बहुत आसान लगता है लेकिन बनाने के समय काफी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। नाइन थोड़ा सा तो लेंदी जाएगा क्योंकि इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को प्रूफ करना है, ठीक है। कॉसेक ए माइनस साइन ए, चलिए इसमें हम शुरुआत करते हैं एलएचएस लिख करके ही, क्योंकि आरएचएस तो लिखना ही है, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, तो कॉस सेक ए को वन बाई साइन ए माइनस साइन ए लिखे, सेक ए को वन बाई कॉस ए माइनस कॉस ए ये लिखे। नेक्स्ट फिर से ये काम आ गया पहले की तरह, साइन ए इंटू वन साइन ए, साइन ए साइन ए सेम हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम तो ये वन का वन रहेगा और यहाँ पे इंटू हो जाएगा साइन से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर सेम यहाँ भी वही काम होगा कॉस ए का एलसीएम कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग बोलते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, तो देखिए एक साइन ए खत्म, एक कॉस ए खत्म, क्या बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो गया एलएचएस का प्रूफिंग। आरएचएस में चलिए वन बाई
टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है, वन बाई टेन को साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वन होल डिवाइड, देखिए साइन बाई यहां से फिर से सॉल्व करेंगे नीचे में, और यहां जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहीं से करते हैं, वन बाई इसको जब नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉस और साइन का एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, और कॉस ए और इसको डिवाइड कर किया जाता है, कॉस कॉस डिवाइड हुआ साइन बचा, ये साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये जो सबसे नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा सबसे ऊपर गया कॉस ए इंटू साइन ए, और ये हमारा हो गया सेकेंड, फ्रॉम वन एंड टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज कर ले और इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। देखिए कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, कॉस ए के को हम लोग चेंज किए वन बाई साइन ए से, साइन ए को ऐसा रहने दिए, सेक को वन बाई कॉस में चेंज किए, कॉस को कॉस रहने दिए, अब फिर से जो फ्रैक्शनल एडिशन का प्रोसेस है, साइन ए इंटू वन का एलसीएम साइन ए, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम होगा, ऊपर का जो है बस उसको नोट कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। अब यहां से डिनोमिनेटर जब वन होता है तो जो एलसीएम होता है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले से, यहां से तो साइन ये साइन मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, सेम काम यहां भी किए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, एक साइन यहां से काट दिए कॉस ए कट गया एक को, तो बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, फिर से आरएचएस हमारा क्वेश्चन था वन बाई टेन ए इंटू कॉट ए, टेन को हमने साइन बाई कॉस किया प्लस कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन किए, और इसको सॉल्व कर दिए, इसको जब सॉल्व किया तो नीचे कॉस ए साइन ए एलसीएम, ये साइन स्क्वायर है यहाँ से कॉस स्क्वायर है, इसका वैल्यू वन होता है, और ये इस प्रोसेस से सबसे ऊपर चला गया कि ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, ये क्या हो जाता है ए बाई बी इंटू डी बाई सी, तो जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस प्रोसेस से ये कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसे भी मैं अभी करवा ही देता हूं, ज्यादा लंबा तो है नहीं, तो दो मिनट का लगेगा, तो लास्टली आपका पूरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और आप इसे रिवाइज करेंगे, और इसके बाद एनसीईआरटी बनाने के बाद आप आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक से भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेंथ नंबर, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए बाय वन प्लस वन माइनस कॉट ए, ये है, और इसके इक्वल है टेन स्क्वायर ए, ये हमारा क्वेश्चन है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या किया जाए, दिस इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्रूफ करेंगे और इसके इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्रूफ करते हैं, तो कैसे प्रूफ होगा, एल एच एस वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, आगे बढ़े, वन प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं
sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए, sec को लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर ए और इसको 1 by sin स्क्वायर ए, लिख दीजिए ये हो गया 1 by cos स्क्वायर ए into sin स्क्वायर ए by 1, क्या मिल गया हमें tan स्क्वायर ए, फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है इसे नोट कीजिए, बहुत आसान है देखिए 1 plus tan स्क्वायर 1 by cot स्क्वायर, 1 plus tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर ए, 1 plus cot स्क्वायर का cosec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर का हम लोग 1 by cos स्क्वायर किए, cosec स्क्वायर को 1 by sin स्क्वायर किए, 1 by cos स्क्वायर into sin स्क्वायर by 1, sin by cos 10 होता है, that's all। अब एक this equal to this ये प्रूफ करना है, ठीक है तो वन माइनस टेन ए बाय वन माइनस कॉट ए, वन माइनस टेन ए को देखिए यहां से वन माइनस टेन को साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट ए को 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, हमें तो लग रहा है कि गलत रास्ते में जा रहे हैं, कुछ काम बन नहीं रहा है, हाँ अच्छा एक मिनट कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक, हाँ जी क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये स्क्वायर होगा अब बन जाएगा, देखो देखिए अब इसलिए एक स्टेप और बचा हुआ है, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a इनटू साइन ए बाय साइन ए माइनस cos a, तो ये होल स्क्वायर है इसलिए साइन ए माइनस कॉस ए हो या कॉस ए माइनस साइन हो दोनों सेम होता है, इसलिए ये आपका टर्म्स कैंसिल हो गया और लास्ट टर्म हमारा हो गया टेन ए, दिस इज योर लास्ट ऑप्शन प्रूफ, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर्स एंड नाउ अब हम लोग इस चैप्टर्स को अच्छी तरह से बनाएंगे, आप दोबारा से इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसे इतनी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एक भी क्वेश्चंस मिस ना करें, एक भी स्टेप्स मिस ना करें, आगे भी हम आपको और वीडियो बना करके सेंड करते रहेंगे, आप उसे देखिए आप उसका फायदा उठाइए, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है क्योंकि तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना आपका जरूरी है, आपको जरूरी है सॉल्व तो करना है, अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चंस बना रहे हैं और आपके टीचर्स उस समय अवेलेबल नहीं है तो ये है कि आप अगर वीडियो अपलोड करके रखते हैं, डाउनलोड करके रखते हैं या फिर यूट्यूब में जा करके सर्च करके वीडियो देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा, 80 पॉइंट्स सारा डाउट क्लियर हो जाता है, इसलिए आगे के लिए मैं बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए, हम भी आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन से आप वीडियो को तुरंत आप देख सकते हैं, अदरवाइज फिर अगर आप किसी टॉपिक में ढूंढना हो सोच देखना हो तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा हमारे वीडियो को यूट्यूब में जा करके, ठीक है सो आई होप कि आपको हमारा टॉपिक हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है।
तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स को सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप हमेशा पढ़ाई को फोकस करते हुए अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाइए। और मेहनत कीजिए, दैट्स ऑल। ओके, नाउ गुड बाय।